हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा आज चंडीगढ़ में धरना देने का ऐलान किया गया था। खराब हुई फसल के मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर हरियाणा और पंजाब के किसान जथेबंदियों द्वारा ये ऐलान किया गया था। किसान प्रदर्शनकारियों को पंचकुला से जीरकपुर और चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। इन सभी बॉर्डर्स पर हैवी बैरिकेडिंग करके हथियारों से लैस रिजर्व फोर्स तैनात कर दी गई है। ट्राई सिटी में तीनों राज्यों के पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत पूरी तरह से नाकाबंदी कर रखी है। कई किसान नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। पंचकुला के पिंजौर में किसान नेता करम सिंह को देर रात ही पुलिस ने नजरबंद कर लिया था। किसान नेता करम सिंह ने फोन पर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुल 16 किसान जथेबंदियों ने आज के लिए ट्रैक्टर रैली और चंडीगढ़ घेराव का आह्वान किया है। जानकारी के मुताबिक इन सभी जगहों से 10,000 से भी ज्यादा किसान चंडीगढ़ घेराव के लिए कूच करेंगे। आइए देखते हैं वो वीडियो जो कि किसान नेता करम सिंह ने अपने फोन से जारी की थी। साथियों, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आज तकरीबन 10 बजे SHO पिंजौर और स्टाफ मेंबरों ने मेरे को डिटेन कर लिया। कल के आंदोलन के बारे साथियों से निवेदन है, सुबह बढ़ चढ़ के जीरकपुर पहुंचना है। जो फसलों के मुआवजे के लिए आंदोलन कर रहे हैं किसान, उसमें सभी साथ दें। हो सके तो सुबह ना छोड़ा गया हमारे को, तो पंजौर थाने में पहुंचे। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।